रस्ते दो। एक और शब्द नहीं सुनूंगी मैं अपनी प्रतिमा के बारे में। ये सब जानबूझकर कर रही है ना दिदुल, तूने छुपाया ना प्रतिमा का अस्पताल का सामान, बोल। नीरजा, सदमा लगा तुझे? हाँ, मैं जानबूझकर कर रही हूँ। मैंने छुपाया सामान, मुझे भविष्यवाणी हुई थी ना कि तू आएगी, संदूक ढूंढेगी, फिर संदूक मिलेगा तो उसे तोड़कर ऐसे सब सामान देखेगी। मैंने छुपाया। संदूक किसे चाहिए था नीरजा? तुझे। सच किसे साबित करना था नीरजा? तुझे। तो अब जब माँ के सामने आईना खड़ा कर दिया है तूने, तो अपनी नजरें क्यों फेर रही है? देखना उसकी सच्चाई, देख। मैं दिखाऊं? ये लाली, लाल रंग की, तेरी माँ की, लगाना आता है? मैं बताती हूँ कैसे लगाते हैं। ये ऐसे, जितना गाढ़ा रंग उतनी गाढ़ी कमाई। और इस साड़ी, तूने बचपन में देखी थी ना प्रतिमा को पहनते हुए रात में सड़क पे, याद आया? याद आया कि नहीं? प्रतिमा, ये सब सच नहीं हो सकता। मैं नहीं मानती ये सब, ये सच नहीं है। मैं नहीं मानती। तेरे मानने ना मानने से सच नहीं बदल जाएगा, समझे? रात के अंधेरे में तेरी माँ तुझे कमरे में बंद करके इसलिए जाती थी ताकि सोनागाछी की चकाचौंध गलियों में वो बाहर निकल सके, समझे? तुझे भले ही रखती है तेरी माँ नेक, लेकिन सच ये है कि तेरी माँ है हम में से ही एक, वो भी हम सब की तरह धंधा करती है, धंधा। दिदुल, बता कहाँ है मेरी नीरजा, बता। मेरी माँ के चरित्र पर कीचड़ नहीं उछालने दूंगी तुझे, समझी? जो खुद कीचड़ का हिस्सा होता है ना नीरजा, उस पर कोई क्या कीचड़ उछालेगा? और उसी कीचड़ में तू भी दिखाई देती है। हर रात तेरी माँ इस बाजार में धंधा करती है, हर रात। यकीन नहीं होता तो बता, वो डॉक्टर ने तेरी माँ को नहीं पहचाना? क्यों पुलिस वालों के सामने तेरी माँ अस्पताल के बारे में कुछ नहीं बोल रही? क्यों कोई तेरी माँ की जमानत नहीं दे रहा? मैं बताऊं? क्योंकि कोई भी अपना नाम उसके साथ नहीं जोड़ना चाहता जो इस सोनागाछी के बाजार में धंधा करती है नीरजा। पूछ ले इन सब से, नहीं होता ना दिदुन की बातों पे यकीन, पूछ। लेकिन उससे पहले कान खोल कर एक बात सुन और दिमाग में डाल दे, आइंदा दिदुन पे वार करने की सोची भी तो ये चमड़ी उतार।
तू और तेरी माँ क्या समझती है, जब मन करेगा दुधुन पे वार करेगी। एक जैसी हो तुम दोनों, सही कहते हैं लोग, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, वकील का बेटा वकील, और धंधे वाली की बेटी धंधे वाली। नहीं नहीं नहीं, मेरी प्रतिमा मेरा मान है, मेरा गुरूर है, वो पवित्र है। अरे तो मैंने कब कहा हम सब पापी है। सुबह नहा धो के साबुन लगा के हम भी पवित्र हो जाते हैं, लेकिन सच तो अब भी यही है कि सोनागाची की गलियां जिसके लिए है बदनाम, वही है तेरी माँ का भी काम। नहीं दिदुन, तेरी एक भी बात पर विश्वास नहीं है मुझे। तू सच नहीं बोल रही है, तू सच नहीं बोल रही है। आप बताइए मुझे, ये दिदुन झूठ बोल रही है ना, बोलो। ये झूठ बोल रही है ना, बोलो बोलो, कुछ बोल क्यों नहीं रहा है कोई भी। आपको बताए ना, आपको बताए ना, प्रतिभा अस्पताल में काम करती है, बोलिए। सामनी मासी, सामनी मासी, देखना ये सब कुछ बोल क्यों नहीं रहे। सबके सब मिल गए इस दिन उनके साथ, लेकिन तुझे तो सब सच पता है ना। शामनी मासी बोलना, देख ये दिन क्या क्या बोल रही है तेरी दोस्त प्रतिभा के बारे में, बोलना बोलना, ये सब झूठ है, मेरी प्रतिभा यहाँ पर है, सब नहीं। चक्री गाची की मोहर एक बार जिस पर लग जाती है ना, उससे पूरी दुनिया मुंह मोड़ लेती है नीरजा। जैसे तुझसे और तेरी माँ से मुंह मोड़ लिया है सबने, पहले बागची ने, फिर डॉक्टर ने, कोई जमानत नहीं करवा रहा और कोई करवाएगा भी नहीं सिवाय दिदुन के। तो अब तू देख ले नीरजा, तुझे क्या करना है, या तो अपनी माँ का ये सामान उठा, अपने आप को सजा और बैठ जा बाजार में, या सड़ने दे तेरी माँ को जेल में। अब देख, माँ तेरी, जिंदगी तेरी, तो फैसला भी तेरा, तू देख ले। ये बताने का हक मेरा नहीं है, तुम्हारी माँ का है, जाओ जाकर उससे पूछो। नीरजा देखो, इसके बारे में तुम प्रतिमा से बात करो। ये सब सच नहीं है, तुम सबके सब झूठ बोल रहे हो। मेरे लिए सच वही है
मेरी प्रतिमा ने मुझसे कहा है। तो जा अपनी सच की देवी अपनी प्रतिमा से जाके पूछना कि क्या है उसका सच। जा